सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो किसी भी एसएमपी को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर विदाउट साइन इन। सो गाइस कल मैंने एक एसएमपी की वीडियो बनाई थी और उसके अंदर भाई बहुत ही सारे कमेंट आए थे कि भाई कैसे ज्वाइन करना है, आप एक वीडियो लेकर आ जाओ। तो गाइस फाइनली आप लोग के डिमांड पर मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग विदाउट साइन इन किसी भी एसएमपी या सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को शुरू से पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बारीकी से सब चीज बताने वाला हूँ, अगर तुम लोग उसको ध्यान से देख लेते हो तो तुम लोग किसी भी एसएमपी या सर्वर को इजीली विदाउट साइन इन ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक बिल्कुल फ्री है, एक लाइक तो करके ही जाना। साथ ही साथ आप लोग कुछ भी कमेंट कर दो, हाय दिल भाई कुछ भी डाल दो भाई, सिर्फ कमेंट कर दो। तो बिना इस देर के करते अपने वीडियो को स्टार्ट। में हूं आपका दोस्त रंजीत और आप देख रहे हो हमारे चैनल वाईटी। ओके गाइस यहां पे आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं माइनक्राफ्ट के अंदर, और माइनक्राफ्ट के अंदर आप लोग यहां पे बाजू में देख सकते हो साइन इन मेरा नहीं है। तो गाइस मैं यहां पे सेटिंग्स में आ चुका हूं, और सेटिंग्स में आने के बाद अगर मैं यहां पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाता हूं, यहां पे आप देख सकते हो साइन इन फॉर फ्री है, यहां पे साइन इन बिल्कुल भी नहीं है, अब तो कंफर्म हो गया। चलो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग को ज्वाइन करना है एसएमपी विदाउट साइन इन। सबसे पहले आप लोग को एक सेटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को उसको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है, प्रोफाइल पे जाना, और यहाँ पे आप लोग को यूज सेलुलर डाटा ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना। ये ऑन नहीं रहेगा तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो पहले इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्वर्स में चला जाता हूँ। और गाइस आप लोग को वो याद रखना है आईपी एड्रेस और आईपी पोर्ट, उसके बिना नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, ये मेरा ही एसएमपी है जो मैंने कल ही दिया था, और यहाँ पे मैं उसका आईपी पोर्ट डाल देता हूँ, ऊपर की तरफ कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने हाई डाल दिया, अब इसको सेव कर लेना। यहाँ पे आप देखते हो वेलकम टू सर्वर लिखकर आ चुका है। अब आप लोगों को करना क्या है, जो बाजू में पेंसिल का आइकन है आप लोग को उस पर प्रेस करना है, यहाँ पे रिमूव ऑप्शन आएगा, उसको रिमूव करके तुरंत फ्रेंड्स में जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद अपने आप लोग माइनक्राफ्ट के अंदर ज्वाइन हो जाओगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं आप लोग के सामने यहाँ पे लोकेटिंग सर्वर आ चुका है, और अब आपके लोग के सामने ही ज्वाइन होगा। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है आप लोग को स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अब ये क्यों आता है, अगर आपका माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो ये प्रॉब्लम जरूर ही आएगा। और दूसरी बात, अगर एसएमपी में ही उन्होंने बंद करके रखा है कि विदाउट साइन इन वाले ना ज्वाइन कर पाए, तब आप लोगों को ये प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग एक बार देख लेना, हमेशा लेटेस्ट वर्जन रखना माइंड। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो बस यार आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।